हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल IMKV। और आज जो मैं आपको बताऊंगी वो मैं कुछ बेली फैट के लिए एक्सरसाइज लेके आई हूँ, जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी कि क्या कर सकते हो आप बेली फैट कम करने के लिए। लेकिन एक फैक्ट आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, अगर आपको अपना बेली फैट कम करना है तो सबसे पहले जो ये कॉमेंट आती है, बेली फैट कम करना है, टमी फैट कम करना है, आर्म फैट कम करना है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करना है, उसे कम करना है, थाई कम करनी है, हिप्स कम करनी है, ग्लूट्स कम करनी है, ब्ला 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 ब्ला। सबसे पहले स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है। कोई भी आप एक्सरसाइज करके किसी भी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट को कम नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर पार्ट की आपको सिर्फ थाई की एक्सरसाइज बता दूँ तो थाई कम हो जाएगी, पेट की बता दूँ तो पेट कम हो जाएगा। अगर आप डाइट फॉलो पर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपना डाइट प्रॉपर नहीं कर रहे हो और जिम दो दो तीन तीन घंटे जिम जा रहे हो, तो आप सिर्फ अपना मसल मास गिराओगे, जो आपको लगेगा वेट कम हो गया ज़्यादा वर्कआउट करके। जैसे ही आप जिम छोड़ोगे वापस गेन हो जाएगा, फिर आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए डाइट पर स्टार्टिंग अच्छी होगी तो डाइट अच्छी अगर आप करोगे पर प्रॉपर फॉलो, तो आपकी बॉडी में लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहेंगे और आपको आपकी हैबिट भी अच्छी हो जाएगी कि आपको रूटीन में क्या खाना है आपको पता भी चलेगा। तो मैं आपको बोलूँगी जो भी मैं एक्सरसाइज बताऊँगी उसको आप फॉलो करोगे डाइट के साथ, अपनी कैलोरी डेफिसिट में खाइए। मैं आपको लिंक डाल दूंगी जितनी भी मैंने डाइट बनाई है, चूज़ करिए और फॉलो करिए, अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग खाइए। और डाइट मतलब कुछ हवा नहीं होता है कि डाइट हम नहीं कर सकते, कि जिससे मैं पूछती हूँ डाइट करते हो, नहीं भाई हम नहीं खा सकते घास फूस। ये घास फूस खाना डाइट नहीं होती है गाइस, आप समझिए। डाइट मतलब होता है कैलोरीज के हिसाब से खाना। आप बस ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो, आपको उसकी क्वांटिटी कम करनी है थोड़े से चेंजेस करके। ज़्यादा ऑयल है कम ऑयल करो, चार रोटी आपकी कैलरीज में नहीं है तो उसको दो करो, ऐसे करके आपको चेंज करना होता है। इसलिए प्लीज़ अपनी डाइट को जरूर फॉलो करिए, उसके बाद ये वर्कआउट फॉलो करना। और अगर आप ये डाइट फॉलो नहीं कर सकते तो प्लीज़ ये वर्कआउट भी बात फॉलो करना, वरना मैं गलत हो जाऊँगी कि मैंने शायद एक्सरसाइज गलत बताई। तो आप बेली फैट के लिए जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो हम आज करेंगे, जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर मेरे न्यू वीडियो के अपडेट टाइम से मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद द वन एक्सरसाइज नंबर वन। इसमें आपको क्या करना है मैं पहले ही आपको बता दूँ, 15-15 हम रेपिटेशंस लेंगे और 3 से 4 सेट आपको रिपीट करने हैं। मैं बार बार नहीं बताऊँगी ताकि ये जल्दी जल्दी मैं आपको कवर कर सकूँ कि आपको 5 एक्सरसाइज कौन सी आपको रूटीन में ऐड करनी है। और ये आप घर पे भी फॉलो कर सकते हो, कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है, घर पे भी आप सिर्फ डाइट और ये वर्कआउट पे फॉलो करके अपनी बॉडी में रिजल्ट ला सकते हो। तो पहली एक्सरसाइज क्या रहेगी, दोनों एल्बो यहाँ पर, ठीक है, नी को एल्बो से टच करना है, एक एक एंड देन एक, ये आपका एक रैप है, ठीक है। अब दोबारा करेंगे दूसरा, 1 1 1 2 3 3 3, 5 5 5, 8 8 8, 12 12 12, 14 14 14, 15 15 15। एक और चीज, जब ऐसे करोगे ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट, नीचे जाओगे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है ब्रीथ आउट, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, आपको इस तरह से पोजीशन लेनी है और अगेन ऐसे हाथ है जैसे कहते हैं ना हाई नीस, ये वाला करना है, 1, ठीक है, 4 7 10 12 14 15 15 रैप एंड 4 सेट्स आपको इसे रिपीट करने। थर्ड एक्सरसाइज कैसे करनी है, सीधे आप खड़े रहोगे, ये वाला हाथ राइट हैंड लेफ्ट लेग टो से टच करना है। अगर आपका मान लो पेट ज़्यादा है और आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो आप क्या करोगे, एल्बो से ऐसे, पर आपकी लेग स्ट्रेट ही रहेगी, आपको ऐसे नहीं करना, वरना वो सेम हो जाएगी पहली वाली एक्सरसाइज की तरह। तो उसको डिफरेंट बनाने के लिए हमें ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, स्टार्ट, 1 1 1 1, 2 2 2 2, 5 5 5 5, 7 7 7 7, 10 10 10 10, 15 15 15 15। ये होगी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। अब हमें चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ। अब हमें चाहिए कोई वॉल का सपोर्ट, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे इस तरह से, नहीं सामने चलते, सामने स्ट्रेट वॉल है, हम लोग जैसे मैट में करते हैं ना माउंटेन क्लाइंबर, वैसे हमें वॉल पे करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा
ये पोजिशन लेंगे, ठीक है, और ये नी है टच करेंगे ऐसे, वन वन टू टू थ्री थ्री, जब ये नी ऊपर आए ब्रीथ आउट, फाइव सेवन टेन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन, इस फिफ्टीन रैप एंड चार सेट आपको रिपीट करने हैं, और जैसे मैं काउंटिंग करनी है वैसे आपको काउंटिंग नहीं करना है, मैं काउंटिंग गलत कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी कवर कर सकूँ और आपके लिए वीडियो जो है बोरिंग ना हो। अब चलेंगे लास्ट एक्सरसाइज की तरफ जो कि रहेगा हमारा प्लैंक। अब प्लैंक के लिए हमें मैट तो अवेलेबल नहीं है, ऐसे हम आ जाते हैं इधर, हम प्लैंक पोजिशन लेंगे इस तरह से, ये लगेगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे हिप थोड़े ऊपर रहेंगे, और हमें 30 सेकेंड तक काउंट करना है, वन टू थ्री फोर, धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते रहो, सेवन टेन ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी। अगर आप प्लैंक ये वाला नहीं कर सकते तो आप बेसिक प्लैंक कर सकते हो, जिस तरह से आपको ऐसे एल्बो नीचे नहीं रखनी, आपको स्ट्रेट ऐसे हैंड रखने हैं, और इस तरह से ये जो एंकल है नीचे की तरफ, और इस सामने देखना है, ब्रीथ आउट करना है, टाइमर रख लो 30 सेकेंड तक, आपको ये होल्ड करना है, इसके आप करोगे चार सेट। सो दीज आर द एक्सरसाइज विच यू हैव टू फॉलो फॉर बेली फैट, और ये तभी आपकी एक्सरसाइज काम करेगी जब आप अपनी डाइट पे ध्यान दोगे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सो इसे फॉलो करिए, एंड एक महीने तक थोड़ा सा चेंजेस करते हुए आप जरूर अपने रूटीन जो भी आप वर्कआउट करते हो उसमें भी ऐड कर सकते हो, ऑल्टरनेट डेज में कम से कम वीक में 3 से 4 बार रिपीट करिए, और एक महीने बाद मुझे रिजल्ट बताइए कि आपकी बॉडी में रिजल्ट आया है या क्या रिजल्ट आया है, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। जो भी मैं आपको वीडियो बताती हूँ मुझे पता चलता रहे कि आप वर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करिए, IMKV मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिनको भी अपना बेली फैट कम करना है या इस नॉलेज की ज़रूरत है, एंड कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।